वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एयर जेट स्पिनिंग। एडवांस स्पिनिंग में हमारी जो एयर जेट स्पिनिंग है कैसे जो है एडवांस स्पिनिंग के रूप में काम करती है। एडवांस स्पिनिंग के रूप में हमारी एयर जेट स्पिनिंग को समझने से पहले हम फास्ट ट्विस्ट के कंसेप्ट को समझेंगे। हमारी जो एयर जेट स्पिनिंग है यहाँ पे जो है फास्ट ट्विस्ट के कंसेप्ट पे प्रिंसिपल पे जो है वर्क करती है। हम फास्ट ट्विस्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। यार्न मैन्युफैक्चरर यूजिंग द एयर जेट प्राइमरली प्रोड्यूस फैसिनेटेड यार्न यूजिंग द फास्ट ट्विस्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे जो है जो मैन्युफैक्चरर हैं जो फॉल्स ट्विस्ट प्रिंसिपल पे जो यार्न जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कह रहे हैं कि प्रोड्यूस फैसिनेटेड एनी मोर अट्रैक्टिव यार्न जो है प्रोड्यूस होता है। हेंस वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फॉल्स ट्विस्टिंग बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल एयर जेट स्पिनिंग। हम जो है एयर जेट स्पिनिंग को समझने से पहले एयर जेट स्पिनिंग को डिस्कस करने से पहले हमें फॉल्स ट्विस्ट कंसेप्ट को जो है समझ लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए। फिगर वन डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फॉल्स ट्विस्टिंग। जो है इस फिगर में जो है फास्ट ट्विस्टिंग के प्रिंसिपल को समझाया गया। आइए देखते हैं ये हमारा जो है फिगर जो है क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो क्लैंप है K1 और K2। इस क्लैंप के बीच में हम फाइबर हमारा जो है होल्ड है और हम बीच से इसको जो है बीच में हमारी ट्विस्टिंग यूनिट है जो बीच से इसको रोटेशन जो है दे रही है। तो इस ट्विस्टिंग यूनिट को अगर हम जब फाइबर हमारा दो एंड फाइबर के दोनों एंड होल्ड हो और उसको बीच से टर्न दिया जाए तो क्या होगा कि जहां से हम ट्विस्ट दे रहे हैं जहां से होल्ड करके पकड़ के हम जो है ट्विस्ट इंसर्ट कर रहे हैं उसके हाफ पोर्शन में यानी ट्विस्टिंग यहां पे ट्विस्टिंग एलिमेंट और इसके K2 के बीच में ट्विस्ट जो है अलग होगी और ट्विस्टिंग एलिमेंट और K1 के बीच में हमारी ट्विस्ट जो है अलग होगी। यानी वन साइड यानी हम देखें तो इधर जो है आपका लेफ्ट साइड जो है जेड यस ट्विस्ट फॉर्म हो रही है और जो है राइट साइड जो है आपकी जेड ट्विस्ट फॉर्म हो रही है। यानी और रिजल्टेंट ट्विस्ट अगर मेटल जो है अगर ट्विस्टिंग एलिमेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो रिजल्टेंट ट्विस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई ट्विस्ट नहीं होगा मेटल में। तो ये हमारी है फॉल्स ट्विस्ट यानी ट्विस्ट है और ट्विस्ट नहीं भी है। तो इसी कंसेप्ट पे हमारी जो है एयर जेट स्पिनिंग जो है वर्क करेगी। आइए बढ़ते हैं आगे। फिगर वन डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फॉल्स ट्विस्टिंग। इफ ए फाइबर स्टैंड ए इज हेल्ड फर्मली एट टू स्पेस्ड पॉइंट बाय क्लैंपिंग K1 एंड K2। कह रहे कि ये हमारा फाइबर ए है इसको अगर दो क्लैंप के बीच में होल्ड कर लिया जाए K2 एंड इज ट्विस्टेड समवेयर बिटवीन देम और किसी प्लेस से पकड़ के इसको हम ट्विस्ट करें। दिस स्टैंड ऑलवेज टेक अप द सेम नंबर ऑफ टर्न ऑफ ट्विस्ट बिफोर एंड आफ्टर द ट्विस्ट एलिमेंट। कह रहा है कि ट्विस्ट एलिमेंट जो हमारा टी है उसके दोनों तरफ जो है हम किसी भी पॉइंट पे जो है इस फाइबर को पकड़ के ट्विस्ट करें तो दोनों तरफ जो है सेम ट्विस्ट जो है और अपोजिट डायरेक्शन में सेम ट्विस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगी। हाउएवर दिस टर्न हैव अपोजिट डायरेक्शन और ये दोनों ट्विस्ट क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ट्विस्ट विच आर रिप्रेजेंटेड इन द एग्जाम्पल इन और जो आप जो है इस एग्जाम्पल से इसको आप समझ रहे हैं। फॉल्स ट्विस्ट एज ट्विस्ट एलिमेंट इज जनरेटिंग टर्न ऑफ यस ट्विस्ट इन द लेफ्ट हैंड सेक्शन दिस सिंपली मीन्स दैट ईच टर्न ऑफ जेड ट्विस्ट इम्पार्टेड इन द फर्स्ट सेक्शन ए इज कैंसल्ड बाय द टर्न ऑफ द यस ट्विस्ट इम्पार्टेड इन द सेकेंड सेक्शन बी। यानी हाफ पोर्शन में जो है आपकी जो है ए साइड जो है अगर जेड ट्विस्ट है तो जो है आपकी बी सेक्शन में जो है यस ट्विस्ट है उसको जो है दोनों ट्विस्ट जो है जब मिलती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है यानी जीरो ट्विस्ट हो जाता। द फाइबर स्टैंड दस नेवर हैज एनी ट्विस्ट बिटवीन ट्विस्टिंग एलिमेंट एंड द डिलीवरी सिलेंडर। कह रहा है कि ट्विस्टिंग एलिमेंट और डिलीवरी जहां पे हम फाइबर को वाइंड अप कर रहे हैं डिलीवरी हो रही है इन दोनों के बीच में अगर रिजल्टेंट के रूप में देखा जाए तो कोई ट्विस्ट नहीं होती है। इन फॉल्स ट्विस्ट असेंबली टर्न ऑफ ट्विस्ट आर प्रेजेंट ओनली बिटवीन द फिट सिलेंडर एंड द ट्विस्टिंग एलिमेंट। दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्लॉयटेड
फॉर इंस्टेंस इन फॉल्स ट्विस्टिंग टेक्सलॉजी, इसी प्रिंसिपल पे जो है हम यहाँ पे एयरजेट काम कर रही है, और इसी प्रिंसिपल पे हमारी जो है फॉल्स ट्विस्ट टेक्सलॉजिंग जो काम करती है, एंड टेक्सलॉजिंग हम या फिलामेंट की टेक्सलॉजिंग करते हैं, इसी फॉल्स ट्विस्ट के कंसेप्ट पे हमारी एक प्रोसेस टेक्सलॉजिंग का भी होता है। एयरजेट स्पिनिंग, यहाँ पे देखिए जो हमारा स्लाइवर जो फीड हो रहा है, कैन से स्लाइवर जो फीड होकर के बैक रोलर, मिडिल रोलर और आपका ये फ्रंट रोलर है, ड्राफ्टिंग होकर के हमारा स्लाइवर फाइबर जो है आगे फ्रंट रोलर से डिलीवर होगा, और जब फ्रंट रोलर से डिलीवर होगा तो ये यहाँ पे जो है हमारे दो जेट हैं, जो दोनों जेट जो है यहाँ पे एयर वर्टेक्स से जो है मूव कर, दो जेट हैं जहाँ दोनों जेट पे एयर वर्टेक्स जो है वर्क करती है। एयर वर्टेक्स आप जो है पिछले हम लोगों ने जो वर्टेक्स स्पिनिंग को समझा जो है वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है। एयर वर्टेक्स के माध्यम से जो है इसमें रोटेशन, फर्स्ट जो आपका जो जेट जेट फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे जो है एयर वर्टेक्स क्रिएट होगी, जिससे कि यहाँ पे रोटेशन यार्न में जो है इंसर्ट होगा, और जो है ये सेकेंड आपका जेट है यहाँ पे वर्टेक्स जो है क्रिएट होगी, जिससे जो है यहाँ पे जो है रोटेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे दोनों जेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, और दूसरी एयर वर्टेक्स जो है इस डायरेक्शन में, यानी एक बार एयर वर्टेक्स इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है और दूसरी एयर वर्टेक्स इस डायरेक्शन में। अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों का रिजल्टेंट एयर वर्टेक्स जो है यार्न में रोटेशन टर्न इंसर्ट होगा, फाइबर हमारे जो है यार्न जो है रोटेट होते हैं, और रोटेट होकर टर्न इंसर्ट होता है, लेकिन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में टर्न इंसर्ट हो रहा है, इसलिए रिजल्टेंट जो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका जो फ्रंट रोलर से आगे की, इस फ्रंट रोलर के आगे का पोर्शन यहाँ पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे नोजल फर्स्ट और ये नोजल सेकेंड। यहाँ पे देखिए जो है कह रहा कि फर्स्ट जेट रैप इज फाइबर अराउंड द मेन स्टैंड कोर इन द अपोजिट डायरेक्शन, कह रहा कि यहाँ फर्स्ट जेट पे जो शीथ फाइबर है वो जो है उसके जो है कोर फाइबर को जो है रैप कर रहे हैं। सेकेंड जेट इंसर्ट फॉल्स ट्विस्ट इनटू द मेन स्ट्रीम, और जो आपका सेकेंड जेट है ये जो है जो आपका मेन जो फाइबर है उसमें कह रहा है कि फॉल्स ट्विस्ट इंसर्ट करा। आइए इसको आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। द नोजल ऑफ द फर्स्ट जेट आर सेट टू गिव ए काउंटर क्लॉक वर्टेक्स प्रोड्यूसिंग ए जेड एस फॉल्स ट्विस्ट एक्शन, द सेकेंड जेट गिव्स ए यस जेड फॉल्स ट्विस्ट एक्शन, कह रहा है कि दो हमारे वर्टेक्स हैं, एक जो है जेड एस और दूसरा जो है यस जेड जो है ट्विस्ट एक्शन दे रहा है। द प्रेशर अप्लाइड टू जेड आर सच दैट जेड टू हैज द हायर ट्विस्टिंग वर्टेक्स। अब यहाँ पे जो है जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं ट्विस्ट को, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जेट है उसके कंपैरिजन में सेकेंड जेट में हम जो है एयर वर्टेक्स का जो प्रेशर है वो हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं, जिससे कि जो है फर्स्ट जेट से जो है जो ट्विस्ट क्रिएट हो रही है उस सेकेंड जो न्यूट्रलाइज कर दे, और सेकेंड वर्टेक्स का इफेक्ट, सेकेंड वर्टेक्स का इफेक्ट इस यान पे जो है दिखे, और इस सेकेंड वर्टेक्स के इफेक्ट से जो है हमारे जो सीथ फाइबर हैं वो कोर फाइबर को रैप करते हुए यार्न, ट्विस्टेड यार्न प्रोड्यूस करें। ये एक मेन कंसेप्ट है। जेट हैज सच दैट टू टू हैज द हायर ट्विस्टिंग वर्टेक्स, ऑल दो द जेट इम्पार्ट ए फॉल्स ट्विस्ट व्हाइल डूइंग शो दे डू नॉट हैव पॉजिटिव होल्ड ऑन द रिबन बीइंग ट्विस्टेड, बिकॉज ऑफ द यस ट्विस्ट फ्रॉम जेट टू प्रोपोगेट अलोंग द ट्विस्टेड रिबन एंड एंड नलिफाई द जेड ट्विस्ट फ्रॉम जेड वन लिविंग फ्रॉम यस ट्विस्ट टू ट्रेवल टुवर्ड्स द निप लाइन ऑफ द फ्रंट रोलर, कह रहा है कि जो आपकी जो फ्रंट आपका जो फर्स्ट जेट है उसके ट्विस्ट को जो सेकेंड जो जेट है उसको सेकेंड जो जेट है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और यस ट्विस्ट का इफेक्ट जो है जो सेकेंड सेकेंड जो आपका जेट है उसके जो यस ट्विस्ट का इफेक्ट जो है आपके इस फ्रंट रोलर तक पहुंचता है, और जो हमारे सीथ फाइबर है वो ट्विस्ट होते जो है यस ट्विस्ट के रूप में जो है फाइबर को कोर फाइबर को जो है ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट होते जाते हैं और यान जो है डिलीवर होता है। ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ रिटर टू नोजल एयर जेट स्पिनिंग,
हम यहाँ पे जो है रिटर मशीन का जो है टू नोजल जेट स्पिनिंग का कंसेप्ट जो है समझेंगे। ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ रिटर टू नोजल एयर जेट स्पिनिंग, आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो है कैन है, जो फिड मटेरियल जो है कैन फॉर्म में, स्लैगर फॉर्म में होता है, और यहाँ पे ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट से जो है हमारा मटेरियल ड्राफ्ट होकर फ्रंट रोलर से डिलीवर होगा। यहाँ पे दो जेट है, ये पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये दो जेट है जो एक जो है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। फर्स्ट जेट के जो ट्विस्ट वर्टेक्स एयर्स से जो ट्विस्ट इंसर्ट हो रहा है मटेरियल में, यान में, वो सेकेंड जेट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और अब जो उससे थोड़ा सा अधिक ट्विस्ट जो होती है वो उस ट्विस्ट का इफेक्ट इस पूरे मटेरियल में होता है, और उस ट्विस्ट से जो हमारे जो रैप जो शीथ फाइबर है वो रैप होकर के कोर फाइबर को रैप करते जाते हैं, और यान जो है ट्विस्टेड यान डिलीवर होता है। यहाँ पे हमारा जो है डिलीवरी रोलर है, जो है ये जो है आप यान डिलीवरी है, यान डिलीवरी जो है ये आपका जो है सेंसर से पास होते हुए यहाँ पे वाइंड अप हो जाते हैं। एज शोन इन ए ड्राफ्ट फ्रेम, स्लाइवर फीड फ्रॉम ए कैन इज पास टू ए ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट। ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट से जो ड्राफ्ट फ्रेम स्लाइवर पास होता है, वेयर इट इज अटेन्यूएटेड बाई ए ड्राफ्ट इन रेंज ऑफ 100 to 200। यहाँ पे जो ड्राफ्ट लगता है वो 100 to 200 लगता है। द फाइबर इज देन डिलीवर देन प्रोसेस टू एयर जेट अरेंज डायरेक्टली आफ्टर द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट। द सेकेंड जेट इज द एक्चुअल फॉल्स ट्विस्ट एलिमेंट। यानी यहाँ पे दो ड्राफ्ट दो जो है जेट से हमारा मेटल पास होता है, और ये कह रहा है कि जो सेकेंड जेट है उसी से जो है एक्चुअल ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है। फर्स्ट जेट की ट्विस्ट जो है सेकेंड जो है कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। द एयर वर्टेक्स जनरेटेड इन दिस जेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोर देन 2 million RPM ट्विस्ट द स्टैंड एज इट पासिस थ्रू शो दैट द स्टैंड रोटेट्स अलॉन्ग ए स्क्रू थ्रेड्स पाथ इन द जेट, अचीविंग रोटेशन स्पीड ऑफ अबाउट 2,50,000 RPM। द कंप्रेस्ड एयर रीच द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन एंटरिंग द सेंट्रल कैनाल ऑफ द फॉल्स ट्विस्ट एलिमेंट, सिंस द एक्सियल फोर्स आर वेरी लो ड्यूरिंग दिस रोटेशन, ओनली लो टेंशन अराइज इन द यार्न। यहाँ पे हमारा मेटेरियल फर्स्ट वर्टेक्स में इंटर करता है, जो हाई आरपीएम से वर्टेक्स एयर जो है उसको मूव कराती है, और सेकेंड की जो है स्पीड स्लाइटली उससे ज्यादा होती है। तो फर्स्ट के जो है ट्विस्ट को जो है न्यूट्रलाइज करके जो सेकेंड में ट्विस्ट जो यस डायरेक्शन में बजती है उसका इफेक्ट जो है ड्राफ्टेड ड्राफ्ट डिलीवरी यार्न डिलीवरी तक, डिलीवरी फाइबर तक होता है, और फाइबर हमारे रैप होते जाते हैं। और जो डिलीवरी टेंशन होता है यार्न में, जो डिलीवरी टेंशन लगता है वो बहुत स्लाइट टेंशन होता है, जिससे यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती है। द एबिलिटी ऑफ वर्टेक्स टू इम्पार्ट टॉर्क इज शो हाई दैट द टर्न ऑफ ट्विस्ट इन द यार्न रन बैक टू द ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट। कह रहे कि जो है जो आपका ट्विस्ट है, टर्न है, वो काफी ज्यादा जो होता है, और जो इसका इफेक्ट जो है ड्राफ्टिंग एलिमेंट तक जो है, यानी ड्राफ्टिंग डिलीवरी रोलर तक जो दिखता है। द फाइबर स्टैंड इज देयर फॉर एक्सलरेटेड प्रैक्टिकली टू फुल रोटेशन स्पीड एज सून एज इट लीव्स द फ्रंट रोलर। और जो फ्रंट रोलर से फाइबर हमारे लीव करते हैं, निकलते हैं, वो तेजी से एक्सलरेटेड होते हुए स्पिंडल की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट जेट की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ शीथ फाइबर उसके फर्स्ट जेट के जो है नोजल जेट के स्पिंडल नोजल के पास जो है टकराते हैं, और उस वो रैप फाइबर के रूप में जो है शीथ फाइबर को रैप फाइबर के रूप में कोर फाइबर को रैप कर देते हैं। द ईच फाइबर विच अल्टीमेटली बाइंड द यार्न टुगेदर बाई बिकमिंग रैपिंग फाइबर एज इन माइनॉरिटी। जो हमारे रैपिंग फाइबर होते हैं वो संख्या में कम होते हैं कंपेयर देन कोर फाइबर। कोर फाइबर की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, और रैप फाइबर जो है कम होते हैं, जो ट्विस्ट एक्चुअल जो है ट्विस्ट का इफेक्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं फाइबर को। दिस फर्स्ट वर्टेक्स इज इन फैक्ट वीकर इन इंटेंसिटी देन द सेकेंड एंड कैन नॉट रियली अफेक्ट कोर फाइबर। कह रहे फर्स्ट वर्टेक्स इज इन फैक्ट वीकर इन इंटेंसिटी देन द सेकेंड। जो हमारा दो जेट है
कह रहे कि उसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट वर्टेक्स का इफेक्ट कम होता है कंपेयर देन सेकेंड, अफेक्ट द कोर फाइबर और बट कैन ग्रास्प द ईच फाइबर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द स्टैंड एट वन एंड सिंस द फर्स्ट वर्टेक्स एक्ट अगेंस्ट द ट्विस्ट डायरेक्शन जनरेटेड बाई सेकेंड जेट इट प्रिवेंट्स द ईच फाइबर फ्रॉम बींग ट्विस्टेड इन टू द कोर आर इवन ट्विस्ट देम इन द अपोजिट डायरेक्शन अराउंड द कोर फाइबर एज स्टैंड रन थ्रू द सेकेंड जेट द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि आपका जो है फर्स्ट जेट का जो है ट्विस्ट का इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाता और जो सेकेंड जेट है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जेट है उस पे जो शीथ फाइबर है वो रैप होते जाते हैं, रैप करते जाते हैं कोर फाइबर को। और यहाँ पे देखिए ट्विस्ट कह रहे कि आपका जो है ये जो ट्विस्ट है ये सेंटर फाइबर में है जो फर्स्ट जेट के द्वारा इंसर्ट किया गया और ये सेकेंड जेट के, ये दोनों जो है क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं और जो सेकेंड आपका जेट है उसके द्वारा ये ट्विस्ट का इफेक्ट जो है आपका जो है जेट डायरेक्शन में जो यस को न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ पे भी यस को, और ये जो फाइबर ये जो जेट ट्विस्ट का इफेक्ट जो है ये जेट ट्विस्ट यहाँ पे ज्यादा है इसलिए जो है ये पूरे पे जो है रैपिंग फाइबर के रूप में जेट ट्विस्ट का इफेक्ट दिखता है। ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ आगे बढ़ते हैं, द टर्न ऑफ ट्विस्ट जनरेटेड बाय द जेट आर कैंसल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉल्स ट्विस्ट लॉ। द कोर फाइबर दैट इज द वास्ट मेजॉरिटी, कोर फाइबर की संख्या ज्यादा है, नो लॉन्गर एग्जिबिट एनी ट्विस्ट, कोर फाइबर में कोई ट्विस्ट नहीं होता है। दीज फाइबर आर अरेंज्ड इन पैरेलल, ये फाइबर जो है पैरेलल अरेंज्ड होते जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द ईच फाइबर विच प्रीवियसली एग्जिबिट नो ट्विस्ट रिलेटिवली लिटिल ट्विस्ट आर इवन ट्विस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिसीव ट्विस्ट इन द डायरेक्शन इम्पार्ट बाई द जेट एज डिटरमाइंड बाई द लॉ ऑफ फॉल्स ट्विस्ट। They are therefore wound around the parallel fiber stand. They bind the body of fiber together and ensure coherence. The resultant bundled fiber yarn passes from the takeoff roller through a yarn suction device, an electronic yarn clearer before being wound onto cross-wound package. The two-nozzle air jet spinning system represent a very interesting process which are already been introduced into practical operation with some success. Specification of Murata jet spinning, यहाँ पे हम Murata jet spinning का specification देखें जो practical रूप में work करती है। Spinning position per machine up to 70 single sided machine, कह रहे कि हमारे यहाँ पे जो head होते हैं 72 head हैं, एक single sided machine होती है। Delivery speed 150 to 300 meter per minute. Raw material जो हम लोग use करते हैं synthetic fiber and blends combed cotton. Count range 7.5 to 30 tacks. Feed stock type, draw frame sliver, type of sliver, bundled single yarn. Yarn characteristic reasonable strength, low hairiness, rough outer surface. Field of use ladies outer wear, shirting material, sheets. Remark low production cost, low personal demand, no rapidly rotating parts, three draw frame passage necessary. क्या है कि production cost कम होती है, इसकी जो है demand fiber की यान की थोड़ा कम, no low personal demand यानी पे man power यहाँ कम consumption कम लगते हैं, no rapidly rotating part इसमें जो machine में कोई rotating part नहीं है, थ्री ड्रा फ्रेम पैसेज आर नेसेसरी, मेटेरियल को जो है हमें थ्री ड्रा फ्रेम से जो है पास करने के बाद हमें फीड मेटेरियल प्रिपेयर होता है। यार्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर जेट स्पिन, द यार्न कैरेक्टरिस्टिक इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिंग स्पन यार्न, इट इज समव्हाट वीकर स्टीफर, वीक कमजोर होता, स्ट्रेंथ कम होती है, स्टीफर कड़ा होता है, हार्डर, the hardness can be reduced by using finer fiber and by treatment of finished product with softener. Positive aspect, good evenness like ring spun yarn, good abrasion resistance, low tendency to peeling, lower snarling tendency, shrinkage similar to that of the ring spun
या नेगेटिव एस्पेक्ट एयरजेट स्पिनिंग का, हायर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, स्लाइटली लोअर कवरिंग पावर, रैपिंग फाइबर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, समटाइम्स देयर आर स्लाइटली मोर आर मोर ऑन द सर्फेस, समटाइम्स स्लाइटली फ्यूअर. A large number of wrapping turn impart more strength but at the same times greater hardness. Synthetic fiber yarn and blends of synthetic fiber and cotton with production of synthetic fiber at least 50% achieve strength level of about 80% or more relative to ring spun yarn. इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप एयरजेट स्पिनिंग समझ गए होंगे, प्रिंसिपल समझ गए होंगे एयरजेट स्पिनिंग का कैसे वर्क करती है. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.